रुक करेंगे आगे की खबर की तरफ। औरैया और इटावा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। औरैया में राजकीय मेडिकल कॉलेज का सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे। 280 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है और 109 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की भी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं, जिसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो सुरक्षा व्यवस्था की दुरुस्त की जा चुकी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। इटावा में नव निर्मित सेंट्रल जेल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं और यहां एक जनसभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। तो 65 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सभा में करीब 30,000 लोगों के जुटने की संभावना भी है। तो इटावा और औरैया के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है, क्योंकि औरैया में राजकीय मेडिकल कॉलेज का आज वो शिलान्यास करने जा रहे हैं और 280 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है और इसके अलावा 109 करोड़ की 12 परियोजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। और इनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से व्यवस्था जो है सुरक्षा की वो चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है। इटावा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 65 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। और आपको बता दें कि जो जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं आज, और उस जनसभा में करीब 30,000 लोगों के जुटने की संभावना है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। तो 109 करोड़ की विकास परियोजनाओं, 12 विकास परियोजनाओं का आज सीएम योगी आदित्यनाथ तोहफा देने जा रहे हैं। परियोजनाओं का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। इटावा में नव निर्मित सेंट्रल जेल का भी उद्घाटन आज करेंगे। इटावा में ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसमें 30,000 लोगों के जुटने की संभावना भी है।